नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो है कि जैसे भी नए लैपटॉप आ रहे हैं, जो पीसी आ रहे हैं नए i3 से ऊपर, इसमें जो है विंडो 7 या विंडो 8 करने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जब इसमें अपन जो है CD से बूट करते हैं तो यहाँ आपका पार्टीशन शो नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, वो किस कारण से होता है, ये इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें कि आप भी इसमें कभी भविष्य में प्रॉब्लम आती तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है और इसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, के जैसा आप देख रहे हैं सामने, मैंने PC में विंडो 7 की CD लगाई हुई है। कहाँ प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, पहले सिस्टम जो है आपका बूट होगा, आप विंडो 7 की बूटेबल CD इसमें लगाएंगे। ये लगा दी अपन ने और इसको एंटर कर देंगे। ये देखिए, विंडो 7 से जो है ये आपकी फाइल लोडिंग कर रहा है, ये है ना। तो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी अभी जो i3 से ऊपर जो प्रोसेसर आ रहे हैं, लेटेस्ट जो मशीनें आ रही हैं, इनमें ये दिक्कत आ रही है कि विंडो 7 को वो सपोर्ट नहीं कर रही है। और वो कई कारण से हो सकता है, जो इसका EFI जो सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम, वो भी जो है इन विंडो को सपोर्ट नहीं करता। देखिए, ये बूट हो रही है। ये जो आपकी स्क्रीन आ गई है, इस पर देखिए, ये इसको अपन नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद इंस्टॉल नाउ किया और सेटअप स्टार्टिंग। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से अपन इसमें से जो विंडो जो आपको डालना है 64 बिट या 32 बिट वो करेंगे। मैंने इसमें 64 बिट को सेलेक्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं और आई एक्सेप्टेड द लाइसेंस टर्म्स, इसको क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना। इसके बाद आपका अपग्रेड के लिए दिखा रहा है और नीचे कस्टम एडवांस्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको जो है इनके पार्टीशन जो हार्ड डिस्क है उसको शो ही नहीं कर रहा है। नो ड्राइवर फाउंड, यहाँ पर जो है कोई भी ड्राइव को ये शो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन को मशीन को अपना रीस्टार्ट करना है। इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से करेंगे मशीन को रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट करते हुए मशीन के BIOS सेटअप में जाएंगे। तो BIOS में जाना है, BIOS सेटअप में, जैसे कि मेरे में डेल से है। और इसमें जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद नीचे आप देख रहे हैं SATA कंट्रोलर मोड, इसको एंटर करेंगे और इसको SATA मोड पे लाना है, ठीक है। AHCI जो मोड है इसको वहाँ से हटाकर आपको इसको SATA मोड पे सेव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आप आ जाए और इसमें जाना है आपको सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आप जो देख रहे हैं नीचे, ये सिक्योर बूट, और सिक्योर बूट जो दिखा हुआ है या अनेबल है, इसको आपको डिसेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल करने के बाद इसको बैक करना है और कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। इसके बाद आप जाएंगे बूट में, और बूट सेक्शन में आप देख रहे हैं इसमें आपका लॉन्च CSM, इसको आपको अनेबल है, ये अनेबल करना है, इसको अनेबल है। और नीचे जो आपका लिखा हुआ है बूट ऑप्शन फिल्टर, इसको एंटर करना है और इसमें आपको लीजेंसी ओनली करना है, ठीक है। बस इतना आपको इसमें करना है और इसके बाद आपको इसको सेव करके एंटर कर देना है और आप मशीन को बूट होने देना है। और आपका ये CD से एंटर कर देंगे तो CD से बूट होगा। इसको CD बूटेबल बनाना है ये, क्योंकि अपन को उसमें विंडो डालकर चेक करना है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिलते रहें इस तरह की वीडियोज़ के। ये देखिए, बूट हो रहा है आपका। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊं। ये देखिए, इस तरह से आ गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे
इसके बाद इंस्टॉल नाउ करना है। देखिए इस पर अपन जो विंडो आपको डालना है, तो मैं 64 बिट डाल रहा हूँ। इसके बाद आई एग्री लाइसेंस टर्म कंडीशन पर करना है, क्लिक करना है और यहाँ आपको जो है कस्टमाइज कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ इसने पार्टीशन शो कर दिया है। अब मैं इसमें जो विंडो मेरे को लोड करना है वो मैं करूँगा। इसमें पहले अपन पूरे पार्टीशन को डिलीट करते हैं, ठीक है, ऊपर भी कर देते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें विंडो डालता हूँ, 7 डालना है अपन को, तो 7 को मैं डालूँगा। पार्टीशन बनाता हूँ, ये मैंने पार्टीशन इस पर क्रिएट कर दिया है, यस करेंगे। 500 GB की हार्ड डिस्क आप देख रहे होंगे कि ये 465 दिखा रहा है, ये मैंने पार्टीशन बना दिया है। ये पार्टीशन और क्रिएट करता हूँ मैं, ये देखिए बना दिया। इसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए आप, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप विंडोज़ पे 7 जो मैंने कहा था ये लोड होना शुरू हुई, पार्टीशन शो कर दिया इसने। ये आपकी विंडो 7 जो है लोड हो रही है, देख रहे हो ये। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कि विंडोज 7 अपन जो नए पीसीज हैं या नए मदरबोर्ड आ रहे हैं इन पे अपन लोड नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ अपन को चेंजेस करने हैं, क्योंकि विंडोज 7 जो है एक अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि विंडो XP था, उसके बाद विंडो 7 अच्छी यूज़फुल है। और अब अगर अपन को डालना है तो अगर नया मदरबोर्ड आपने अपडेट कराया है और प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप ये चेंजेस करके भाई उसमें अपने मशीन को विंडो 7 पर लोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, और नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो आपको बना के दूँगा। जय जिनेंद्र, जय भारत।